दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो एक नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं एचपी पवेलियन सीरीज का लेटेस्ट लैपटॉप EG3026TU, जो एचपी ने 13 जनरेशन प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया है। 1340p प्रोसेसर है, 512 SSD के साथ और 16GB रैम के साथ। आज हम इस लैपटॉप को अनबॉक्स करेंगे और उसका बैक पैनल ओपन करके भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, देखते हैं आज हम जो लैपटॉप अनबॉक्स करने जा रहे हैं वो कौन सा है। एचपी पवेलियन EG3026TU। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, i5 13 जनरेशन के साथ है, 16GB रैम है, 512GB SSD, फिंगरप्रिंट रीडर के साथ आएगा और 15.6 इंचेस की फुल एचडी स्क्रीन है। तो चलिए दोस्तों, टाइम नहीं लगाते हुए लैपटॉप को अनबॉक्स करते हैं। मेरे को भी बड़ा एक्साइटमेंट है लैपटॉप को ओपन करने का। और हाँ दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे यही कहूंगा हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आगे भी हम लेटेस्ट लैपटॉप्स की अनबॉक्सिंग करके करते रहेंगे और उसका रिव्यू आपके लिए लेके आते रहेंगे। चलिए दोस्तों, लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है। देखते हैं लैपटॉप के अंदर आपको लैपटॉप के बॉक्स में क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे 65 वाट का पावर एडेप्टर है जो नॉर्मली हर लैपटॉप में आता है। प्रीमियम पावर कोड, एक आपका यूजर मैनुअल और ये आपका लैपटॉप है। लैपटॉप ओपन करते हैं दोस्तों, ये देखिए। अगर आप हाथ में लेंगे तो पवेलियन 12 जनरेशन 13 जनरेशन में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। दोस्तों बात करते हैं लैपटॉप के ओवरव्यू की। अगर हम देखेंगे मेटल बॉडी में ये पवेलियन सीरीज आपको मिलती है। आप इसका बैक पैनल देखेंगे, रबड़ और बेंट आपका दे रखे हैं। मेटल बॉडी में आपका ये लैपटॉप आता है। जो इसकी स्लीकनेस है वो ही एचपी ने अभी तक बरकरार रखी है। जो आप 12 जनरेशन में देखते आ रहे थे, आपको वही जो स्लीमनेस है इसकी, आपको वही देखने को मिलेगी इसमें। लैपटॉप के पोर्ट्स देखते हैं, एचपी ने इसमें लैपटॉप के पोर्ट्स कौन कौन से दिए हैं। लेफ्ट साइड में देखते हैं लैपटॉप के, जो पहला पोर्ट्स आपको दिखाई देता है वो चार्जिंग जैक है लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। उसके बाद आपको मिलता है USB सुपर स्पीड आपका डाटा ट्रांसफर करने के लिए, या आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस है आप वो डिवाइस के साथ आप अटैच करते हैं, चाहे वो हार्ड डिस्क हो या प्रिंटर हो, वो आप इसके साथ लगा सकते हैं। जो राइट साइड में दे रखा है, अगर आप पहला पोर्ट देखेंगे तो वो आपका HDMI है। HDMI 2.1 आपको पोर्ट मिलता है प्रोजेक्टर या LED TV कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद एक और आपको USB सुपर स्पीड मिलता है, एक हमारे लेफ्ट में एक हमारे राइट में, और एक आपको मिलता है टाइप सी जो आपका 10 Gbps सिग्नल रेट के साथ आपको इसमें HP देता है। इसके जो अगला पोर्ट है वो आपका है 3.5 mm का ऑडियो जैक, जिससे आप हेडफोन माइक या स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं नए लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सबसे पहले देखते हैं CPU। 13 जनरेशन इंटेल कोर i5 1340p इसके साथ प्रोसेसर आपको मिलता है। बेस स्पीड है 1.9 GHz। देखिए टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, टर्बो बूस्ट होके 4.6 GHz तक ये प्रोसेसर जाता है। अगर हम बात करेंगे कोर की तो 12 कोर प्रोसेसर आपको इसमें मिलते हैं। मैं आपको इसमें बता दूं, 4 कोर इसमें जो है वो परफॉर्मेंस कोर है, 8 जो है वो इसमें एफिशिएंट कोर है। और अगर हम टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो जो हमारे परफॉर्मेंस कोर होते हैं वो ही 4.6 GHz तक जाते हैं। एफिशिएंट कोर की जो टर्बो फ्रीक्वेंसी होती है वो 3.4 GHz तक की होती है। लॉजिकल प्रोसेसर की बात करेंगे तो 16 इसमें लॉजिकल प्रोसेसर है और L3 कैशे आपको इसमें 12 MB की मिलती है। मेमोरी की बात करेंगे, 16GB की इसमें रैम लगी हुई है। अगर हम स्पीड देखेंगे 32 MHz की रैम है। डिस्क की बात करेंगे, WD SSD लगी हुई है 512GB की, जिसकी कैपेसिटी आपको 477GB की इसमें मिलती है। वाईफाई देखेंगे, वाईफाई 6 आपको इसमें मिलता है रियलटेक का। ग्राफिक्स देखते हैं हम, इंटेल आइरिस XE ग्राफिक्स आपको इसमें मिलता है। देखिए अभी हमने देखा था 16GB की इसमें रैम थी, 2 स्लॉट थे, दोनों के दोनों ऑक्यूपाइड थे, यानी 8-8GB की 2 रैम लगी हुई थी। वो इसलिए है क्योंकि इंटेल आइरिस XE ग्राफिक्स जब भी काम करता है जब दोनों स्लॉट्स में रैम होती है। अगर आप 16GB की है तो 8-8GB और 8GB इसमें टोटल मेमोरी है तो 4-4GB है। अगर हम इसकी डायनेमिक फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे आइरिस XE ग्राफिक्स की तो वो 1.45 GHz आपको मिलती है। ये आप कंपेयर कर सकते हैं MX350 और MX350 NVIDIA ग्राफिक कार्ड के इक्विवेलेंट होता है। इसमें 15.6 inches फुल HD IPS डिस्प्ले एंटी ग्लेयर और माइक्रो एज के साथ मिलता है। इसमें एक लो ब्लू लाइट इसके अंदर आपको स्क्रीन में वो भी मिलता है,
ये आपकी आईज के लिए सेफ होता है। अगर हम ब्राइटनेस की बात करेंगे तो 300 nits की इसकी ब्राइटनेस है, और कलर कोमेट्स की बात करते हैं तो 100% sRGB इसमें आपको मिलता है। स्क्रीन रेजोल्यूशन आपका 1920x1080 आता है। फैबकैम HP ने इस पे वाइड विजन 720p HD कैमरा दिया है, जो मेरे हिसाब से कम है। अब कम से कम 5 megapixel HP को देना चाहिए। और इसमें एक और कमी मुझे लगती है शटर की, जो HP ने इसमें नहीं दी है। इसके साथ टेम्पल नॉइस रिडक्शन भी आता है और डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन आपको इसमें इंटीग्रेटेड मिलते हैं। तो दोस्तों वक्त आ गया है जिसका आप सभी को इंतजार रहता है, लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करने का। तो चलिए दोस्तों करते हैं लैपटॉप का बैक पैनल को ओपन। तो दोस्तों हमारा लैपटॉप ओपन हो गया है, इसका बैक पैनल हमने ओपन कर लिया। तो देखते हैं इसके पास कहाँ कहाँ क्या क्या लगे हुए हैं। जो हमारा प्रोसेसर है वो यहाँ लगा हुआ है, जो हीट सिंक के थ्रू कनेक्टेड है फैन के साथ। डबल फैन इसमें लगे हुए हैं, पी प्रोसेसर है तो उसमें डबल फैन आता है। इंटेल के जितने भी पी प्रोसेसर होते हैं मोस्टली सब में डबल फैन आता है। ये हमारा मदरबोर्ड दे रखा है। यहाँ हमारी 8-8 GB की दो रैम है, 16 GB रैम है। इसको 8-8 GB की दो स्प्लिट करके रैम लगा रखी है। आप अपग्रेड कर सकते हैं इसको, 16-16 GB आप इसमें लगा सकते हैं। यहाँ हमारी SSD है 512 GB, आप इसको भी अपग्रेड कर सकते हैं। 1 TB आप इजिली अपग्रेड कर सकते हैं, आप करना चाहें तो 2 TB तक भी आप इसको लेके जा सकते हैं। यहाँ हमारा वाईफाई लगा हुआ है, वाईफाई 6 हमने देखा था, और ब्लूटूथ 5.3 यहाँ हमारा ये लगा हुआ है। और ये हमारी बैटरी है, 3 cell की बैटरी है, 41 watt hours के साथ आपको बैटरी मिलती है। अगर आप ऑन एन एवरेज लेंगे तो 5 से 6 घंटे का बैकअप आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ आप देखें, यहाँ आपको स्पीकर्स मिलते हैं, इसमें B&O का ऑडियो भी आपको इसमें मिलता है। देखिए इसके अपग्रेड की बात करेंगे तो हम इसमें सिर्फ 2 ही पार्ट्स को अपग्रेड कर सकते हैं, एक है रैम और एक है SSD। रैम 8-8 GB लगी हुई है। वैसे ये प्रोसेसर 64 GB तक सपोर्ट करता है, लेकिन जो आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी आप 32 GB तक आपको इस लैपटॉप को इजीली अपग्रेड कर सकते हैं। और SSD भी आप 2 TB तक भी कर सकते हैं अपग्रेड, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा अपने अपग्रेड करना है तो इसको 1 TB तक आप अपग्रेड कर लीजिएगा। इसके अलावा आप इस पे कुछ और अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आज हमने अनबॉक्स किया है HP Pavilion EG30260U लैपटॉप। देखिए ये 13 जनरेशन में है। अगर हम कंपेयर करेंगे 13 जनरेशन को 12 जनरेशन से, जो इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है 1340p, अगर हम इसको 1240p से कंपेयर करते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। वो उसकी टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी जो 1240 की थी वो 4.4 GHz थी, इसकी फ्रीक्वेंसी 4.6 GHz तक है। इसके अलावा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है आईरिस ग्राफिक्स की फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम डायनेमिक फ्रीक्वेंसी थी 1240p की वो थी 1.3 GHz, इसकी है 1.45। इससे ज्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है। अगर आप 12 जनरेशन ले रखा है तो आप ये मत सोचिएगा कि आपने 13 जनरेशन वेट करते 13 जनरेशन ले लेते। आपका दोनों में ही 12 कोर हैं, दोनों में ही 4 परफॉर्मेंस कोर हैं और 8 एफिशिएंट कोर हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हम बात करते हैं वर्किंग की। देखिए जो भी ये लैपटॉप होते हैं इस पे आप क्या कर सकते हैं, वो सारे काम जिनमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अच्छा दोस्तों इस पे एक बात और मैं आपको बता दूं, इस पे इंटेल आइरिस एक्सी ग्राफिक्स है। जब हम कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे, जब हमने देखा था, ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होता है, लेकिन इंटेल आइरिस एक्सी ग्राफिक्स जो पहले आपका बेसिक लैपटॉप्स में आता है कोर i3 में या क्वाड कोर या सेलोन में जिनमें USD ग्राफिक्स होता है, उनसे बहुत बेटर होता है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये डेडिकेटेड जो MX330 और 350 होते हैं अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास ही होता है। तो इसमें आप हल्की फुल्की गेमिंग्स कर सकते हैं, GTA 5 हो गई आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन आपको रिजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आपको बहुत अच्छा रिजोल्यूशन ही चाहिए तो आप डेडिकेटेड ग्राफिक्स के साथ ही जाइएगा जो 4 GB के साथ आते हैं। अगर आप प्राइसिंग की बात करेंगे तो ये लैपटॉप आपको मार्केट में 75,000 के आसपास मिल जाएगा। HP इसके साथ 1 year की वारंटी देता है और एक्सटेंडेड वारंटी की ऑप्शंस देता है, ऑफर्स देता रहता है, कभी बैक टू स्कूल और बैक टू कॉलेज। जैसे अभी ये लैपटॉप अप्रैल 2023 में ही लॉन्च हुआ है और अभी जो अब हम वीडियो बना रहे हैं अप्रैल में ही बना रहे हैं, तो अभी जो HP का ऑफर चल रहा है वो बैक टू स्कूल ऑफर चल रहा है, जिसपे आपकी वारंटी एक्सटेंड आप कराते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे प्राइसेस पे HP ऑफर करता है। और साथ ही HP लैपटॉप के साथ एक्सटेंडेड डैमेज प्रोटेक्शन की भी ऑफर देता है। जब आप HP वर्ल्ड पे लैपटॉप लेने जाएंगे तो वहां पे सेल्स पर्सन से आप पूछ सकते हैं,
कि अगर आपने एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन लेना है तो वो क्या कॉस्ट कर रहा है, वो भी डिस्काउंटेड रेट्स पे आपको मिल जाएंगे। अगर ये आपने लैपटॉप परचेज करना है तो हमने कुछ लैपटॉप एचपी वर्ड्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे रखे हैं, आप वहां पे जाकर लैपटॉप देख के आप ले सकते हैं। अगर आपकी कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन रह गया हो वीडियो देख के इस लैपटॉप रिगार्डिंग या किसी और लैपटॉप रिगार्डिंग, तो आप वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते रहते हैं हर लैपटॉप की आपको वीडियो अनबॉक्स करके, लैपटॉप को अनबॉक्स करके दिखाएं और उसका बैक पैनल भी आपको ओपन करके दिखाएं। दोस्तों, हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे यही कहूंगा लैपटॉप मास्टर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।